नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छाग्रही सीएफटी संगठन का गठन उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन कर प्रदेश कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया गया है। संगठन स्वच्छाग्रही के हितों के लिए कार्य करेगा। स्वच्छग्रहियों को नियमित कार्य व नियमित मनोदय दिया जाए, स्वच्छग्रहियों के हितों के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहेगा, ऐसे विचारधाराओं के साथ सीएफटी स्वच्छग्रही संगठन का गठन किया गया एवं मंगलनाथ पर दर्शन कर हवन पूजा किया गया एवं स्वच्छग्रहियों की बैठक का आयोजन कर आगामी संगठन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छाग्रहियों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र दिए गए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पवन परवार, गोपाल सिंह सेन, प्रदेश महामंत्री राजेश गौतम आदि संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छाग्रही सीएफटी संघ मध्य प्रदेश के सानिध्य में बाबा महाकाल की नगरी में भगवान मन कामनेश्वर के यहाँ पर हवन शांति करते हुए एक अच्छी कामना के लिए संगठन को सफलता मिले, स्वच्छाग्रही को हक मिले, माँ सिपरा के किनारे हवन कर आज उज्जैन संभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देवास जिला से हमारे जोशी जी, सोनी जी भाई साहब, आदरणीय वर्मा जी, उज्जैन जिले से उज्जैन जिला अध्यक्ष जी राजन जी और सोहन जी, और मंदसौर से हमारे दशरथ जी, आगर से धर्मेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय सम्माननीय और अपने पवन जी परमार जी, उपाध्यक्ष महेश जी पांडे जी, राजेश जी गौतम जी, सभी के नेतृत्व में आज बैठक का आयोजन किया गया। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। कन्नौज सिविल अस्पताल में निरंतर कोरोना का टीकाकरण चल रहा है। डॉक्टर लोकेश बारवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड कन्नौज के अंतर्गत सिविल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास में कोविड के टीकाकरण केंद्र पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के तथा 45 से 59 वर्ष तक के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने टीकाकरण कराने पहुंचे सिविल अस्पताल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सिटीजन हेल्थ वर्करों फ्रंटलाइन वर्कर से कोविड टीकाकरण की अपील करते हुए क्या कहा, आगे सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं सिविल हॉस्पिटल कन्नौज के पूरे कर्मचारी को बधाई देना चाहूँगा कि जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए इंजेक्शन लगाने के, बहुत बढ़िया है। और लोगों में जो भय बना हुआ है कि इंजेक्शन लगाते समय बहुत दर्द होता है, मुझे आश्चर्य हुआ इंजेक्शन लग गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इतने आसानी से इंजेक्ट हुआ इंजेक्शन। मैं अब बाकी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिनको पात्रता में आते तत्काल उन लोगों ने ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षा के क्रम में कदम बढ़ सके। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से महेश वारिया के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।